नमस्कार दोस्तों, जब हम एक छोटी सी चीज ले रहे हों, ज्यादा बड़ी बनी, ध्यान से देखियो, वीडियो समझ में आ जाए, लाइक से कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखो छोटी सी चीज है, यूज ऑफ टू ट्वेल्व और फ्रॉम। देखो टू ट्वेल्व और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, बहुत इजी है, दो मिनट को काम में बाद है, सब क्लियर कर दूंगा। टू ट्वेल्व और फ्रॉम, देखो क्या टू होता है, किसी से संबंध बताने के लिए, बताने के लिए, या जैसे जुड़ने का बोल है, जुड़ने का बोल। किसी से संबंध बताते हैं, टू का प्रयोग वहां किया जाता है जैसे किसी चीज से हम जुड़ते हैं, जैसे मैं घर से स्कूल जाता हूं, इसका मतलब स्कूल से जुड़ गया, तो स्कूल से पहले जुड़ लगेगा। देखो किससे जुड़ने के लिए, इनको एक बार बिठा देते हैं, पहले टू का देख लेते हैं हम। देखो जैसे आई गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, तो देखो यानी मैं स्कूल से जुड़ने का बोध, और यानी स्कूल से जुड़ा हम, ये है जुड़ने का बोध, जुड़ने का बोध, यानी ये टू है, ये स्कूल से जुड़ने का बोध करवा रहा है। जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, सी इज गोइंग टू जयपुर, इसका मतलब उसका समय वो जयपुर से हो रहा है, यानी वो जयपुर गई, इसका मतलब वो जोधपुर से जाकर के जुड़ गई, समझ गए। बट अगर यह किसी चीज आदि का आदान प्रदान होता है तो वही बात है, पर चीज अगर कोई यार जैसी, तो भाई जैसे आई गिव टू हिम, गिव टू मी, ऐसे सेंटेंस और चीज से जैसे ये लिखिए Give to me, है ना? Give to me, ये प्रकार के इनका सेंटेंस या बड़ा बड़ा, तो इनमें देखो ये टू है ना, ये संबंध हो रहा है, जो भी चीज है पाबंदी है, भी चीज को मालूम चाहिए जो भी, या कोई दूसरा चीज है ना, पहले दी वो मतलब चाहिए भी सो जो भी, यानी जुड़ने का संबंध ये करवा था आपका टू, वो तो वो क्लियर, ठीक है। दूसरा देखो को, देखो आपने संबोधन करवा के लिए, संबोधन करने के लिए ना, संबोधन, संबोधन करने के लिए, करने के लिए, जैसे हम लिखते हैं ना टू, फिर यहां पे अगले का एड्रेस है ना, यानी पता, लेटर लाकर लिखा, एप्लीकेशन वगैरह लिखा, नबी का मामले टू को प्रयोग हुआ, बता रहा हूँ एड्रेस आदि दियो जा, ठीक है, इस प्रकार से को प्रयोग है। और देखो आगे दूसरा, देखो क्या है, देखो दूसरा आपका द्वार है, यानी की ओर, की ओर किसी दिशा विशेष की ओर, है ना, जैसे यहां से बस स्टैंड की ओर, देखिए ही गोज टू, सॉरी गोज टुवर्ड बस स्टैंड, देखो टू में तो जुड़ता है बस स्टैंड को जाता है, लेकिन ये पूर्ण बोध नहीं करता, केवल इशारा करता है भाई यहां से बस स्टैंड के, अब वो हो सके वो बस स्टैंड भी जाए, बस स्टैंड क्रॉस कर आगो मिल जाए, या बस स्टैंड से पहले इन्हें में कोई गली घुसर लुक जाए, कोई गारंटी दे नहीं, लेकिन यहां से बस स्टैंड पे कोई पूछ रहा है लड़ा दे दियो वहां दे दूं खुशी ना, और यार बैंक नहीं गयो, लेकिन गारंटी नहीं, वो बैंक में गया है, यहां से बैंक की ओर गया, सब इतना ही सारा बताया पा। देखो सीता इज
गोइंग टू आर एस बी आई, चलो वैसे लिख देते हैं आराम से एस बी आई बैंक। इसका मतलब एस बी आई बैंक की ओर कन्फर्म नहीं है, बैंक में गई है, बैंक से आगे गई या पहले किधर घूम गई कोई पता नहीं, हमने देखा यहां से बैंक की ओर गई। तो ऐसी स्थितियों में टू ऐड कर दो। अब लास्ट दे दो और दूसरा नंबर का भी नोट कर लीजिए है। अब देखो तीसरा, बहुत ही इजी टॉपिक है, तीसरा के सिस्टम है फ्रॉम आउट, फ्रॉम है सेम यानी जुदाई के लिए। जुदाई का मतलब जानो बिछुड़ना, बिछुड़ने के लिए किसी जगह को छोड़ना, जैसे छोड़ना या बिछुड़ना, ये प्रकार की चीजों के लिए सिंह को प्रयोग कैसे, जैसे देखो आई कम फ्रॉम मार्केट, आई कम फ्रॉम मार्केट, देखो इसका मतलब मैं बाजार से आता हूं, इसका मतलब मैंने छोड़ा किसको बाजार को, यानी उससे जुदा हो गया, छोड़ दिया, बिछुड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में फ्रॉम का होता है, जैसे सीमा इज बिल टू जयपुर फ्रॉम कोटा, देखो फ्रॉम कोटा यानी किसको छोड़ा है, सीमा ने कोटा को, कोटा से बिछुड़ी हो जयपुर आ गई है, पहुंच चुकी थी मतलब यानी पहुंच गई, फर्स्ट में है सेकंड को सीमा है वो जयपुर पहुंच गई। तो देखो जुड़ने के लिए टू का प्रयोग हो गया और बिछुड़ी कहां से कोटा से, इसी प्रकार से टू फ्रॉम को, टू जुड़ने के लिए टुवर्ड की ओर और फ्रॉम जुदाई के लिए। बस अब तो सिस्टम है कि जुड़ना बिछुड़ना उसकी ओर, बस इतना ही है, जुड़ना बिछुड़ना उसकी ओर यानी जो भी चीज है उसकी ओर, जुड़ना बिछुड़ना है उसकी ओर, बस इतना सुनिए मैं कतो से याद कर लो, आपको प्रयोग था आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।